ढूंढ रहे हैं। हम में से कौन कौन खुशी चाहता है? सारे चाहते हैं। हम में से कौन कौन खुश रहता है? हम में से कौन कौन हमेशा खुश रहता है? तो अगर हमेशा खुश रहते तो खुशी चाहनी थोड़ी, हम तो हमेशा खुश रहते। हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें वो चीज़ चाहिए या हम हमेशा उस स्थिति में रहते हैं। अगर हम हमेशा खुश रहते हैं तो हमें खुशी चाहिए नहीं, हम तो खुश हैं। चाहिए उनको होती है जो खुश नहीं रहते हैं, वो खुशी चाहिए चाहिए करते हैं। आप सब ने तो बड़े प्यार से हाथ उठाया कि हम सिर्फ खुश नहीं रहते, हम हमेशा खुश रहते हैं। जो हमेशा खुश रहेगा उसे कभी भी ये नहीं कहना चाहिए मुझे खुशी चाहिए। उसको खुश रहकर अपने हर कर्म में वो खुशी की वाइब्रेशन सबको और हर परिस्थिति को देनी है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कहा कि हमें खुशी चाहिए, हमने भी बोलना शुरू किया हमें खुशी चाहिए, फिर कहना शुरू किया शांति चाहिए, प्यार चाहिए, एंड जो कुछ हमारा था हमने कहना शुरू कर दिया चाहिए चाहिए चाहिए, और फिर खुश रहने के लिए बहुत कुछ करना शुरू किया। एक मिनट चेक करिए, चारों तरफ से ध्यान हटाइए, अपने जीवन पर लाइए। हम खुशी के लिए क्या क्या करते हैं अपने जीवन में, और अपने परिवार को खुशी देने के लिए हम क्या क्या करते हैं? चेक करो, ये होगा तो खुश होंगे, ये होगा तो खुश होंगे। क्या क्या करते हैं हम खुश रहने के लिए? हम में से कौन कौन अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदता है खुश रहने के लिए? ये मिलेगा तो खुशी आएगी, ये मिलेगा तो खुशी आएगी, ये खरीद लेंगे तो खुशी आएगी, फ़ोन खरीदेंगे नया तो खुशी आएगी, गाड़ी नया खरीदेंगे तो खुशी आएगी, ड्रेस नई खरीदेंगे तो भी खुशी आएगी। कौन कौन चीज़ें खरीदता है खुशी के लिए? परिवार को भी लेके देते हैं, ये लो अब खुश रहना। चीज़ें खरीदते हैं खुशी के लिए, हाँ तो चाहिए, हम चीज़ें खरीदते हैं खुशी के लिए? कोई नहीं खरीदता खुशी के लिए चीज़ें यहाँ। हाँ, छोटी सी चेकिंग करते हैं, सारे साधन सारी चीज़ें एक पर्पस के लिए बने हैं। सबके हाथ में फ़ोन होगा, अपना फ़ोन अपने हाथ में रखिए, ऐसे लेकर आइए सामने, जैसे अभी सुंदर सी लाइट निकाली थी ना फ़ोन निकाल के, एक बार अपने फ़ोन को चेक कीजिए, सामने देखिए। अब इस फ़ोन को देखकर अपने आप से पूछिए ये फ़ोन हमें क्या क्या देता है, क्योंकि आजकल ये फ़ोन कुछ लोगों को टेंशन भी देता है, तो हमें क्लियर होना चाहिए मेरा फ़ोन मुझे क्या क्या देता है। क्योंकि आजकल प्रोग्राम्स में पूछो ना टेंशन का कारण क्या है, कहते हमारा फ़ोन। पहले फ़ोन खरीदते हैं ये सोच कर के खुशी देगा, और बाद में सोचते हैं ये फ़ोन हमें टेंशन देता है। फ़ोन हमें क्या दे सकता है, फ़ोन हमें क्या नहीं दे सकता है? ये फ़ोन जिसने बनाया था उसने खुशी देने के लिए फ़ोन नहीं बनाया था, उसने फ़ोन सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए बनाया था। तो फ़ोन हमें एक दूसरे से बात करने देता है, एक दूसरे को मैसेज लिखने देता है, ये फ़ोन हमें शॉपिंग करने देता है, ये फ़ोन हमें गीत सुनने देता है, ये फ़ोन हमें वीडियो देखने देता है। ये फ़ोन हमें खुशी नहीं दे सकता है, ये सिर्फ हमें कम्युनिकेशन दे सकता है। लेकिन आज हमने इस फ़ोन को खरीदते समय कहा ये मिलेगा तो खुशी होगी, फिर धीरे धीरे कहा ये फ़ोन मिलेगा तो मेरे को रिस्पेक्ट भी मिलेगी, इसलिए हमने धीरे धीरे और बड़ा और महंगा और फीचर्स वाला फ़ोन खरीदना शुरू किया। छोटा फ़ोन अगर हाथ में रखते तो कहते लोग क्या कहेंगे, इनके पास छोटा फ़ोन है। छोटे फ़ोन पर भी उतनी अच्छे से बात हो सकती थी, लेकिन हमने फिर उस फ़ोन को
कम्युनिकेशन का नहीं स्टेटस का सिंबल बना दिया। फिर हमने उस फ़ोन को रिस्पेक्ट लेने का साधन बना दिया और सिंपल सी चीज़ को हमने कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर दिया। चीज़ें हमें क्या दे सकती हैं? हर चीज़ फिज़िकल है, जड़ है, और जड़ चीज़ हमें आराम देती है। हम कुर्सी पर बैठे हैं, हम सोफे पर बैठे हैं, ये चीज़ हमें आराम देती है। डज इट मीन कि जिसका सोफ़ा ज़्यादा महंगा उसको ज़्यादा खुशी मिलेगी? नहीं, उसको ज़्यादा आराम मिलेगा। आपने नई गाड़ी खरीदी, महंगी गाड़ी खरीदी, ये सोचा ये गाड़ी हमें खुशी देगी। गाड़ी में बैठे 1 किलोमीटर ही चलाया था, छोटी सी टक्कर लगी, डेंट पड़ गया, गाड़ी वहीं की वहीं है, खुशी गायब हो गई। हर परिस्थिति एक एक सीन आता है और हम अपनी खुशी को चीज़ों में, परिस्थितियों में, लोगों में ढूंढते रहते हैं, और क्योंकि हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं, हम सारा दिन मांगते रहते हैं, चाहिए चाहिए चाहिए। आज एक चीज़ पक्की करते हैं, साधन खरीदें, बहुत खरीदें, लेकिन खरीदते समय क्लियर होना चाहिए, ये साधन मुझे आराम देता है, ये साधन खुशी नहीं देता है, ये साधन मुझे फिज़िकल आराम देता है। दो बातों में बहुत फर्क है। साधन खरीद सकते हैं, मन का सुकून नहीं खरीद सकते। दो बातों में फ़र्क, साधन और मन के सुकून में। जो ऑडियो पे है ना, वो एको चेक करेंगे, एको बहुत ज़्यादा है आपका, चेक करना, ठीक हो जाएगा। हम साधन खरीद सकते हैं, हम मन का सुकून नहीं खरीद सकते। राइट बात, कौन कौन मानता है बात? साधन खरीद सकते हैं, सुकून नहीं खरीद सकते। तो एक बार बोल लीजिए अच्छे से, ताकि यहाँ पर रिकॉर्ड फिट हो जाएगा, ताकि जब अगली बार कुछ खरीदने जाएंगे तो क्लियर होंगे, हम साधन खरीद रहे हैं, खुशी नहीं खरीद सकते। इकट्ठे मिलके बोलें, पूरे शहर में भी फैल जाएगा। हम साधन खरीद सकते हैं, नहीं अच्छे से नहीं आई आवाज़, हम साधन खरीद सकते हैं, हम आराम खरीद सकते हैं, हम सुकून नहीं खरीद सकते। तो खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से रहने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ये तो पक्की बात है। जितना जितना धन आएगा उतना उतना साधन खरीदेंगे, उतना उतना जीवन आराम से हो जाएगा, लेकिन खुशी धन पर, साधनों पर, फिजिकल आराम पर आधारित नहीं है। ये क्लैरिटी क्यों चाहिए? क्योंकि नहीं तो हम खुशी के लिए जब खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं, संतुष्टता नहीं आती जीवन में। इट्स नेवर एंडिंग, ये ख़त्म ही नहीं होता कभी भी। चीज़ खरीद ली, थोड़े दिन के बाद किसी और ने कुछ और खरीद लिया, हमने कहा मुझे भी अब वो चाहिए। सड़क पर निकले, पैदल कर रहे थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, आप ये खरीदेंगे तो आपका चेहरा ऐसा खुश हो जाएगा। तो हमने कहा मुझे भी ये चाहिए उस चेहरे की तरह खुश होने के लिए। इस प्रोग्रामिंग को फिनिश करने हैं।